हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ मटर के पराठे, जो बहुत ही सिंपल और इजी हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो में देखिए कैसे बनाते हैं मटर के पराठे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल इंडियन वोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हमने एक बड़े बाउल में 2 कप आटा ले लिया है गूंथने के लिए। आटे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। उसमें मैंने स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डाल लिया है। आटा हमें सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अभी हमें पानी नहीं डालना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लूँगी। ऑयल डालने से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट लग जाता है और हमें पराठे के लिए सॉफ्ट आटा ही लगाकर तैयार करना है। आटे को मैं गूँथ ले रही हूँ। आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट से कवर करके 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक हमारा आटा काफ़ी अच्छा और मुलायम हो जाएगा। अब मैंने एक बाउल मटर ले लिया है, ये फ्रेश मटर है। इसका हमें पेस्ट बनाना है। उससे पहले हम इन्हें हल्का सा बॉईल करेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो उन्हें बॉईल ना करें, डायरेक्ट उनको मिक्सी में पीस लीजिए। बॉईल करने के लिए मटर को मैंने यहाँ पे 2 कप पानी पहले से एक बाउल में उबलने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा, हम उसमें मटर के दाने डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। मटर को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि जो उसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। 4-5 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करके देखेंगे कि हल्की मटर सॉफ्ट हो जाए। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इस मटर के दाने को चेक करके देखूंगी कि ये सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है हमें, ज़्यादा नहीं इनको पकाना है। हल्की मटर सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इनका पानी ड्रेन करके अलग कर लेती हूँ, मटर को और पानी को अलग निकाल देती हूँ। मटर का पानी अलग करके हमने मटर को प्लेट में फैला दिया है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए और हम इनको पीस लें। जैसे ही हमारी मटर ठंडी हो जाएगी, मैंने उसको एक मिक्सर जार में डाल लिया है। गरम मटर को ना पीसे, ठंडी हो जाए तभी उनको पीसना है। हमने इनका दरदरा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है। पेस्ट बनकर रेडी हो गया है मटर का। मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इनमें ज़्यादा पानी नहीं था, उसकी वजह से हमारा पेस्ट काफ़ी सूखा सूखा बना है, जिससे पराठे अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें मसाले मिला लेती हूँ। मसाले मिलाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है गैस पर और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, हम उसमें थोड़े से जीरे के दाने डालेंगे और उनको चटकने देंगे। जैसे जीरे के दाने चटक जाएंगे, उसमें कटी हुई 3 से 4 बारीक हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को आप मटर के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इन्हें कटा हुआ डालना अच्छा लगता है। अब जैसे ही हमारी हरी मिर्च भुन जाए, उसमें हम जो पेस्ट बना कर रखा था मटर का, उसको डालकर उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। अब मैं इसे मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने 1 चम्मच हरा धनिया लिया है, हरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन सभी चीज़ों को अपने पेस्ट के साथ, जो मटर का पेस्ट था, उनसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी धनिया काट कर रखा हुआ था, उसको मिक्स कर लेंगे इन सभी के साथ। धनिया से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए धनिया को आप ज़रूर डालें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक गैस लो फ्लेम पर हम इनको अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमें बिल्कुल लो रखना है और इसको 2-3 मिनट तक भून लें। ये भुन गई है अच्छे से। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं और गैस को बंद करके अपने आटे की तरफ चलते हैं। आटे को 20 मिनट हो गए हैं और आटे को देखते हैं, आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा और मसलना है, तो पहले हाथों को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से आटे को थोड़ा सा और मैश करेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए और लचीला हो जाए, ताकि इसके पराठे एकदम अच्छे बने। आटे से लोई बना लेते हैं। इस तरह से लोई बनाकर उसको थोड़ा सा ऐसे हाथों से बढ़ा लेते हैं।
आटा हमें बिल्कुल खिंचावदार वाला बनाना है ताकि वो हाथ से अच्छे से खिंच जाए। और एक चम्मच पेस्ट को भरकर हम अपनी लोई के अंदर रख लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम अलग से हटा देंगे। इस तरह से ये अच्छे से सील हो जाता है इस तरह से पराठा। और इस लोई को हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से बढ़ा लेंगे। आटा सॉफ्ट इसीलिए लगाते हैं ताकि वो हाथ से बढ़ाने पर आराम से बढ़ जाए। और इस तरह से आप इसको बढ़ाएंगे तो जो हमने इसके अंदर भरा हुआ है इसके अंदर मसाला वो अच्छे से एक सार मात्रा में फैल जाता है। इसको थोड़ा सा सूखे आटे में ग्रीस करेंगे और फिर हाथों से बढ़ाना शुरू करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आटा कितनी जल्दी हाथों से बढ़ाने पर बढ़ जा रहा है। और इसमें बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा पराठा बहुत आसानी से बढ़कर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो लास्ट में इसे हल्का सा बेलन से इस तरह से इकसार कर सकते हैं ताकि जो हाथों के प्रिंट्स इस पर नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए। पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस पर सेक लेंगे। गैस पर जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं दोनों तरफ ऑयल लगाकर, उसी तरह से हमें पराठे को सेकना है। अलट पलट कर हम दोनों साइड पे गैस फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखना है, हाई पे नहीं रखेंगे। ऑयल लगाने के बाद गैस फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और उसके बाद इस तरह की करछी से इसे अलट पलट कर हल्का डार्क ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारे पराठे काफ़ी फूले फूले बनते हैं। फिर हम इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सभी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और मटर के पराठे आप किसी भी दही चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड ईजी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।